أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज तारीख 21 अप्रैल 2020। अभी थोड़ी देर में तहज्जुद का वक्त होगा इंशाल्लाह। मैं मसीहा इब्ने दाऊद कल की अवतार आ चुका हूँ और दावत उल मिलाल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं। मेरी तबलीग मुसलमानों में नहीं है, उन लोगों से मैंने तौबा कर ली है। मेरी तबलीग यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदूज़ में है कि कुरान हदीस सच्चा, वेद कुरान सच्चे, बाइबल सच्चा, और अपने धर्म पर सही आ जाओ और एक ही मालिक की इबादत करो। मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ, मैं मसीह इब्ने दाऊद आ चुका हूँ और दावत उल मिलाल अर्ज़ बयान कर दिया हूँ। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फिरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत, और याजूज माजूज धैर्य चाइनीस असल ज़ाहिर हो गए हैं उनके पूरे अपने रिश्तेदार भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ। वो 24 नेशंस में गालिबन बटे हुए हैं अभी, लेकिन उनका सबसे बड़ा बाप चाइनीस और वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। अल्लाह ने COVID-19 वायरस उनके अंदर पैदा किया, जिसे ज़ाहिर होगा कि याजूज माजूज कौन है, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ। सारे मुसलमानों को बड़ी ही फिक्र लगी है मेरे बारे में, वो बड़ी फिक्र लगी है इस COVID-19 के बारे में। तो जाओ ऐ मुसलमानों उलमाए दीन के पास, मुफ्तियों के पास, और उनसे पूछो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि सब कुछ अल्लाह ने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हदीस में भी आता है कि सारी बातें अल्लाह के नबी ने बता दी, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 59 में, सॉरी सूरह नंबर 6 आयत नंबर 59 में, और सूरह मोहम्मद में फरमाता है क़यामत की अल्लाह ताला निशानी अलामतें दे दिया, फिर भी लोग जो है नहीं मानेंगे तो उन्हीं के ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी, ठीक है। अब उलमाए दीन के पास जाके पूछिए, जब हर चीज़ अल्लाह ने बता दी है तो बताओ ऐ उलमाए दीन, ऐ मुफ्तियों, क्या हदीसे शरीफ में ये भी आया है खुर्बे क़यामत में उलमाए दीन आसमां के नीचे खंजीर और बंदर होंगे कि फितने फसाद लगाएंगे? तो बोलेंगे हाँ आया है। ये बात और है कि उलमाए दीन जो है अल्लाह के वली भी होते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इस ज़माने के नहीं रहेंगे। उलमाए जो हक़ रहेंगे वो मौजूद हैं, लेकिन इस ज़माने के नहीं, पूरे कुछ जो मजबूर हैं कहीं कहीं अपने जगहों पर महरूस हैं। तो उलमाए दीन से जाके पूछो, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया वर्ल्ड का, इतना बड़ा वायरस फैला चाइना से, जो कि कई लोगों को शक था कि चाइनीज याजूज माजूज हैं वो दीवारें चीन की वजह से, तो याजूज माजूज धैर्य लोग वुहान सिटी में हराम के जानवर खाते थे, जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ता, बंदर, सुअर, जो कि अल्लाह ने हराम किया है, और चिमगाड़ वगैरह वगैरह, और वहीं से फैला वायरस। तो क्या इसका ज़िक्र हदीस में आता है, जैसे सही मुस्लिम में, तिरमेजी में, मिश्कात शरीफ में? तो उलमाए दीन बोलेंगे हाँ आता है ना, खुर्बे क़यामत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद क़यामत की एक निशानी है, उनकी पैदाइश और उनका इंतकाल, फिर उसके बाद एक ऐसी वबा फैलेगी जो बकरियों के अंदर जैसे वबा फैलती है वैसे सारे लोगों में वबा फैलेगी। तो वो बोलेंगे ये वही वबा है। अच्छा, तो उनसे पूछना ये वो वबा है, तो इससे पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले वो कौन सी वबा थी? वहाँ पे वबाएँ फैलेंगी है या वबा है एक जगह का? तो बोलेंगे भाई, फिर बोलना उससे पहले भी ऐसी वबा कई बार आ गई है, 40 बार हज बंद हो गया था, उमरा बंद हो गया, ये बताइए वो वबा जो याजूज माजूज से निकलेगी, जैसे नाक के अंदर कीड़ा होता है कैमल के और शीप के, यानी भेड़ के और कैमल के, जो हलक में पहुंच जाएगा, नाक में पहुंच जाएगा याजूज माजूज के, जिससे वो हलाक होंगे,
ठीक है, उसके बाद उससे पहले महरूस होके रह जाएंगे मसीहा अपने लोगों के साथ, और उनके साथ बड़े थोड़े से लोग होंगे, क्योंकि तूर जैसी जगह पर थोड़े ही लोग आएंगे ना, बहुत तो नहीं आएंगे ना। तो फिर उसके बाद लोग अपने अपने खिलों में महरूस हो जाएंगे, अपने कारोबार को लेकर, मवेशियों को लेकर, जानवरों को लेकर, यानी अपने अपने अपार्टमेंट्स में जहाँ पर दीवार होती है, बंदिश होती है, चौकीदार होते हैं, यानी खिले हो गए ना, मॉडर्न खिले। हाँ, तो ये खिलों में महरूस हो जाने का सारी दुनिया में एक डर खौफ की वजह से, मौत के डर खौफ की वजह से, और फिर मसीहा का मौजूद होना, ये सीन तो नहीं है कहीं ये जो हो रहा है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये वो सीन नहीं है, क्योंकि अभी तो मसीह दज्जाल नहीं आया। क्योंकि मसीह दज्जाल नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि मसीह दज्जाल जब वो बोलेंगे तो आपकी अक्ल काम करेगी कि झूठा मसीह, उसकी फिरौन जैसी रियासत, यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादिम उसके खलीफा की तरफ जहन जाएगा ना। वो बोलेंगे नहीं नहीं दज्जाल नहीं आया। फिर बोलेंगे अभी तो दावतुल मिलल अर्ज़ नहीं निकला, अभी तो वो वक्त नहीं आया क़यामत का। हालांकि आयत सुग़रा यानी क़यामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई, लेकिन आयत कुबरा नहीं हुई। बोलेंगे नहीं नहीं अभी बहुत वक्त है, ये भूल गए कि अल्लाह के नबी ने डेढ़ दिन का वक्त दिया था, जिससे मुराद 1500 साल खमरी लगा ले तो 1450 साल या 1420 साल, 50 साल, 60 साल के अंदर ही वक्त होता है, वो वक्त नहीं हो गया। बोलेंगे नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये आम एक विवाह है बस, क्योंकि जब विवाह होती है तो जहाँ के लोग वहीं रह जाने का है, तो वो आज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन विवाह का जहाँ जिक्र है, ये लोग अपनी तरफ से कहते हैं कि जहाँ विवाह आ जाए, प्लेग आ जाए, तो वहीं के लोग वहीं रह जाएं, वो बाहर ना जाएं, ताकि विवाह इधर से उधर ना जाए और उधर से लोग आकर विवाह में ना फंस जाएं, इसलिए वहीं रह जाएं। वो तो लोग करते हैं, जिसका जिक्र नहीं आया कि महरूस होकर रह जाएंगे, वो महरूस हो जाने का जिक्र, लॉकडाउन का जिक्र अपने अपने जगहों पर, वो किसके साथ आया है? आज लॉकडाउन हो रहा है वर्ल्ड में? हाँ हो रहा है। ऐसा कभी हुआ पहले तारीख में? नहीं। अब जो मसीहा कल की अवतार, जो आखिरी मसीहा आएंगे, वो सारी दुनिया के लिए आएंगे? बोले हाँ। तो फिर ये सारी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है लॉकडाउन? तो इसका मतलब ये है कि मसीहा भी मौजूद है दुनिया में और महरूस है और अपने काम पे लगे हुए हैं, और उन्हीं की दुआ पर अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को ज़ाहिर कर दिया। तो बोलेंगे देखो भाई, एक शख्स आया है, कहा था मोहम्मद मौदूद अहमद खान, अपने आप को बोला था मसीहा महदी अलैहि सलाम, तो हमने उसे पागल कहा। हालांकि पूरों ने नहीं कहा, कुछ छोड़े से जाहिलून, जैसे चावल के, चावल जब पक जाता है तो थोड़े से दाने टेस्ट करते हैं, लेकिन पूरा खाना पकता है ना, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी थोड़े से लोगों को टेस्ट किया। वो कहता था कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादी ने उसके खलीफा हैं, वो कहता था कि दावतुल मिलल जिब्रील अलैहिस्सलाम और बनकर गवाही दिए, वो कहता था कि आग निकल गई 2019 में, वो कहता था तो हमने उसे पागल कहा। तो फिर कहीं वही तो ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम नहीं? तो बोलेंगे नहीं नहीं उसने तो तौबा कर ली है ना, लोगों ने जुल्म किया उसके ऊपर, तो हाँ तौबा कर ली है लोगों से मैंने सबूत देने के बाद। अब उलमाए दिन बोलो कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम, या फिर तुम ये बोलो कि ये जो जिक्र हदीस में आया है, ज़रा गौर करें, मैं मुसलमानों में कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के लिए एक आम मुसलमान मोहम्मद मौदूद अहमद खान हूँ, ना मैं उनके लिए ईसा मसीह ना महदी, मैंने उनसे तौबा कर ली, मगर मैं इस्लाम से और हक़ से अल्लाह की निशानी से तौबा नहीं करा, मैं उसकी गवाही देता हूँ वो सच है, उसकी निशानियाँ सच हुए हैं, आयत कुबरा पूरे ज़ाहिर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हिकमत से तो काम करना ही पड़ता है ना, अल्लाह का काम तो नहीं रोक सकते ना। चंद जाहिलून, खबीस, खबायस लोगों के शर से, गंदी गालियों से, गंदे धमकियों से हम क्यों डरेंगे? क्योंकि हमारा इंतज़ार तो यहूदियों के पास भी है, ईसाइयों के पास भी है, बुद्धमत के लोगों के पास भी है, हिंदूस के पास भी है, तो हम उनके भगवान शिवा, कल्कि अवतार, मसीहा बिन दाऊद हैं।
ठीक है, इससे तो कोई एतराज़ नहीं है ना आपको। अगर मैं यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, छोड़ो मुसलमानों को छोड़ो, मुनाफिक हो गए, मैं उनके लिए पागल, वो मेरे लिए पागल, छोड़ो, यहूदियों में, मैं मोमिनों के लिए बात कर रहा हूँ, यहूदियों में, ईसाइयों में, बुद्ध मत के लोगों में, हिंदूज में, मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं उनका मसीहा जो मुंतजर कर इंतज़ार में थे वो मैं आ गया हूँ, और कुरान सच्चा, हदीस सच्चा, बाइबल सच्ची, वेद कुरान सच्चे, तो आपको कोई शक, आपको कोई एतराज़ नहीं है ना। तो अब अपना, जो लोग बदतमीजियाँ करते हैं, जो नापाक पैदाइश हैं, तो मुंह खोलेंगे तो टॉयलेट का ढक्कन ही निकलेगा ना, मुंह खोलेंगे तो वो करेंगे, अपने मुंह से गंदगी बकेंगे, लिहाजा उनको छोड़िए। लिहाजा उलमाए दीन के पास आप जाओ और पूछो, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, वो हदीस बताइए हमको जिसमें चाइनीज़ के अंदर एक वायरस गर्दन में निकलने की वजह से, नाक के ज़रिए गर्दन में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ताल्लुक़ होता है इससे, आयत है ये, आयत बोलते निशानी, इसको ज़रा उल्टा पुल्टा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके आँखों से, आँखों में पर्दा रख दिया गया था ताकि आप पहचान ना सकें जब तक ये ज़ाहिर ना हो जाए। तो ये आयत है यानी निशानी है, इसको वही चीज़ विभाग को एक नए अंदाज से बयान किया गया है, समझ रहे हैं आप। तो ये पूछो उनसे, हदीस में बताओ हमको कि चाइनीज़ के अंदर एक कीड़ा पैदा होगा जो धैर्य लोग होंगे और फिर सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो जाएगा, महरूस हो जाएंगे मुसलमान अपने अपने जगह पर और दूसरे भी लोग, और एक मौत का खौफ तारी होगा, और ये हथियार वाली जंग नहीं होगी, क्योंकि सारे आईओसी, आप देखें आईओसी यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है काउंसिल, अगर आप देखें 57 इस्लामिक कंट्रीज, सबके पास एटम बम्स हैं, अंदरूनी तौर पे, पेपर पे नहीं भी बताते, सबके पास न्यूक्लियर बम्स हैं, समझ रहे हैं आप, सबके पास हथियार हैं, लड़ने की ताकत है। अगर चाइना उन पर अटैक करे तो वो पलटा के चार गुना मारने की ताकत रखते हैं। चाइना के पास कोई लॉ नहीं है, अपना ही लॉ है, लेकिन मुसलमानों के पास एक लॉ है कुरान का, मरे दम तक लड़ना है शहादत पाने के लिए, तो वो तो खामोश बैठने वाले नहीं। अगर चाइना गलती से पाकिस्तान पे भी बम डालता है तो पाकिस्तान पलटा के 10 बम डाल देगा और पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसी तरीके से लड़ने की ताकत तो मुसलमानों पर सबके पास है, तो फिर ये कौन से लड़ने की ताकत नहीं, COVID-19 जो नाम दिया गया लोगों के तरीके, तो इस वायरस को जो नाम दिया गया, तो पूछो उलमाए दीन से जाके बताओ कि ये जो आज चाइनीज़ के अंदर जो वायरस फैला है, उनके ज़रिए सारी दुनिया में जो लाशें फैल रही हैं, यूनिवर्सल लॉकडाउन हो गया जो कि तारीख इंसानियत में कभी ऐसा नहीं हुआ अब तक, इसका जिक्र हदीस में कहाँ है। वो बोलेंगे भाई है जिक्र, साथ में मसीहा का भी जिक्र मौजूद है उस हदीस के साथ, लॉकडाउन उसी के साथ मौजूद है, तो मतलब ये है कि मसीहा दुनिया में मौजूद है, ईसा इब्ने मरियम अपने लोगों के साथ और महरूस है, और उनको खाने पीने की तक तंगी है इस वक्त, क्योंकि 100 दिनार से बेहतर गाय का सर होगा, बैल का सर होगा, मतलब समझ रहे हैं आप, बैल का सर का जिक्र आता है, ऑक्स का, मतलब खाने के लिए तंगी इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है ईसा इब्ने मरियम जो कि महदी अलैहिस्सलाम हैं, वो दुनिया में महरूस हैं अपने अहले ख़ानदान के साथ, और उनको खाने पीने की तक तकलीफ़ है, और लॉकडाउन उन्हीं के साथ लगा हुआ है, वो भी लॉकडाउन में और सारी दुनिया भी लॉकडाउन में। फिर उसके बाद वो फौरन बारिश का सीज़न आएगा, क्योंकि दुआ पर बारिश भी आएगी इनकी हलाकतों के बाद, याजूज माजूज, तो मतलब ये सरमा रहेगा, यानी सरमा नहीं, ये गर्मा रहेगा, यानी ये जो लॉकडाउन होगा, देखिए बारिशों के सीज़न से पहले क्या आता है, रेनी सीज़न से पहले समर आता है, गर्मी आती है, तो गर्मी के दिनों में लॉकडाउन होगा वर्ल्ड में, ज़रा गौर करें। जैसे कि इंडिया में 24 मार्च को हुआ, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, ऑफिशियली अनाउंस किया गया रात को 8 बजे, 4 घंटे की नोटिस के साथ, और 25 से रात के ठीक 12 बजे से ना इधर एक सेकंड ना उधर एक सेकंड चालू हो गया। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप। तोलमाए दिन से जाके पूछिए भाई,
आप लोगों ने मसीह दज्जाल का इनकार कर दिया, आप लोगों ने दावतुल मिलनर्स का इनकार कर दिया, तीन तरफ ज़मीन धस जाना, जो तीन सुनामीज आए, जैसे चेले में आई, इंडिया में आई, और जिसे तमसीली तौर पे कहा गया जज़ीरतुल अरब कहा गया, ठीक है, इंडिया में आई, फिर उसके बाद आप देखें कि जापान में आई सुनामी, जिसमें ज़मीन के ऊपर ज़मीन धस गई, पानी ऊपर चढ़ गया, कई लोग मारे गए, ठीक है। फिर दावतुल मिनलर्स जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दिए। फिर उसके बाद 2019 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इतनी आग लगी, इतना धुआं फैला, 200% ज़्यादा लगी, जबकि हर साल लगती है आग, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, कैलिफोर्निया में हुई, लॉस एंजल्स में हुई, सारी मिलाकर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आग इस बार हुई, जो कि अलार्म थी। फिर अब 2020 आया तो उसमें ये वायरस की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन में आ गई, तो ये क्या मसला है, क्या इसका हदीस में ज़िक्र मौजूद है, तो बताइए। वो बोलेंगे है, लेकिन साथ में मसीहा भी मौजूद है उसके अपने अहले ख़ानदान के साथ, यानी अपने मुरीदों के साथ, यानी अपने मोमिनों के साथ, और वो महरूस हैं वो भी, तो मतलब है तो फिर बताओ कौन है, पूछो उनसे, उनसे पूछो तो बताओ फिर वो कहाँ है, बताओ मसीह दज्जाल कहाँ है, झूठा मसीह और उसकी एक झूठे मसीह की रियासत, जो मैंने कहा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादी उसके खलीफा फिरौन जैसी एक रियासत, जिन्होंने बनी इसराइलियों को अपना ग़ुलाम बना लिया है, यानी जमात अहमदिया को धोखे का शिकार, ये विक्टिम्स हैं, यानी मज़लूम हैं जमात अहमदिया, और वो ज़ालिम हैं, तो बताओ कहाँ है। तो बोलेंगे कि भाई अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ नहीं भाई। अब फिर ये अगर हम बोलें कि ये लॉकडाउन का जिक्र के साथ मसीहा है, बोले तो फिर मसीहा को भी कबूल करना पड़ेगा ना, ये मानना पड़ेगा ना कि मसीहा मसीह इब्ने मरियम दुनिया में मौजूद हैं अपने लोगों के साथ, और तभी तो लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का जिक्र ऐसा महरूस हो जाने का जिक्र उन्हीं के साथ लगा हुआ है, वो सीन उनका है, और वो दो सीन तो हो गए लॉकडाउन के, तो नज़र आ रहे हैं, याजूज माजूज भी फैल गए, दीवार भी गिर चुकी है, वो चाहे के खेसरों ने बनाई हो, या जुल्कनन के खेसरों थे, या साइरस थे, या खिनशी हुएंग थे, जो भी है, लेकिन अब दीवारों की अहमियत तो ख़त्म हो गई, वो भी फैल गए हैं, और अब इस वक्त क़यामत सुग़रा का सीन हो रहा है, सारी निशानियाँ छोटी बड़ी पूरी हो रही है, तो ये मानना पड़ेगा ना कि मसीहा इब्ने मरियम भी आ गए हैं महदी अलैहिस्सलाम बनकर, तो वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, अब हम क्या, ये कैसे हदीस का इनकार करें, हदीस के हिस्से के अंदर लॉकडाउन के साथ ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम भी लगे हुए हैं, और लॉकडाउन का सीन उनके साथ ही फिक्स है, और साथ में याजूज माजूज जो कि चाइनीज़ ज़ाहिर हुए धैर्य लोग, उनकी गर्दनों में कीड़ा पड़ने का, तीनों सीन एक साथ मिक्स हैं, दो को कबूल करेंगे तीसरे को नहीं छोड़ सकते, यानी ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकते, ईसा मसीह को कबूल करेंगे इसको भी नहीं छोड़ सकते, तो पता चला है ये सीन का एक ही जगह जिक्र मौजूद था जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ फिर ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। मैं तो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, मेरे वालिद का नाम मसूद सुरैया, और जो भी है आप लोग जानते हैं, तो मेरे सारे वीडियोस मौजूद हैं। मैं तो मुसलमानों से तौबा किया हूँ, क्योंकि वो जाहिलून मुनाफिकून पागल हैं मेरी नज़र में, और मैं उनकी नज़र में पागल, ठीक है, तो वो मेरी नज़र में पागल, मैं उनकी नज़र में पागल, तो मैंने उन लोगों से तौबा कर लिया, भाई मैं आपके लिए कुछ भी नहीं, ना मैं आपके ईसा मसीह ना मेहदी, मैं आपका ख्याली मसीह मेहदी नरसलाम नहीं हूँ भाई, आप जाएँ उलमदीन के पास पूछें, मैं तो यहूदियों में, मोमिनों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि कुरान हदीस सच्चा, उनमें तबलीग कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, मैं एक आम इंसान हूँ आप लोगों के लिए, आप जाके उलमाए दीन से पूछिए कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, ठीक है, नाम है आप लोगों का ईसा मसीह ना महदी अलैहिस्सलाम, नोट कर लीजिए, मैं तो तबलीग कर रहा हूँ, मैं तो शंकर भगवान हूँ, कल की अवतार मसीहा इब्ने दाऊद हूँ, कल की अवतार, क्योंकि एक ही मसीहा को अलग अलग नाम से अलग अलग मज़हब में पुकारा गया है, तो मैं मुसलमानों ने रिजेक्ट किया तो मैंने उनसे तौबा कर ली, लिहाजा मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन कुरान हदीस सच्चा, मैं इस्लाम पर कायम हूँ रहूँगा इंशाल्लाह, आयतें सच्ची, मैं इस्लाम से तौबा नहीं करा, ना कि अल्लाह की निशानियों से,
आप लोगों से तबाह किए, क्योंकि जाहिलों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुफसिद फसादी लोगों से अल्लाह ताला ने कहा है पनाह मांगो, मांगो शैतान से पनाह मांगते हैं हम भी, आप शैतीन हो चुके हैं, आपसे पनाह मत चाहते हैं, अल्लाह की पनाह चाहते हैं, लिहाजा आपसे आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अल्लाह की सच्चाई बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे मज़हब में मेरा आने का जिक्र था, तो वो लोगों के लिए मैं तबलीग कर रहा हूँ, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, जो मोमिनीन हैं, जो सच्चे ईमान वाले लोग हैं, उनके लिए उनको बता रहा हूँ मैं, मसीह दज्जाल जमात अहमदिया के मसीह दज्जाल को समझा रहा हूँ ताकि वो तौबा करे, जमात अहमदिया को रिलीज़ करे, जो कि बनी इसराइली हैं, जो कि मजलूम हैं, वो धोखे का शिकार हैं, झूठे मसीहा को असली मसीहा समझ कर मान गए हैं। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, फिरौन जैसी रियासत, फिरौन कई हुए, समझ रहे हैं? तो ये कहानी अल्लाह ताला दोहरा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम की, फिरौन की, अब आज का फिरौन मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादिन उसके खलीफा, उनका जो अभी चल रहा है मिर्ज़ा मसरूर अहमद, जो कि यूके में है, चारों तरफ पानी एक तरफ ज़मीन, समझ रहे हैं आप? लिहाजा ऐ मुसलमानों, जाओ ज़रा उलमाए दीन से पूछो कहाँ है हदीस में वो यूनिवर्सल सारी दुनिया के लॉकडाउन का जिक्र, और एक ही जगह आता है पूरे हदीस में, आप उठा के देखें सिर्फ एक ही जगह आता है, और वो आता है मसीहा के साथ महरूस हो जाना। तो जाओ उलमाए दीन बोलो कहाँ है, बोलो बोलो कहाँ है, बोलो जाओ। अब बोलेंगे ये ऐसा लड्डू है खा भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, क्यों शर्मिंदा हो गए, वक्त निकल गया डेढ़ दिन का, अब कोई आसमां से आने वाला नहीं है ना। ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है, अल्लाह ने कहा सूरह निसा में, ना उनको सलीब पर चढ़ाए, ना उनको सलीब दिए, यानी सलीब पर कत्ल नहीं करे और कत्ल भी नहीं करे, बल्कि हमने अभी तक उठाया। उससे पहले अल्लाह बोल रहे हैं सूरह आले इमरान में, आए ईसा वफात दूंगा और उठाऊंगा, और वफात के माने बेहोशी के भी होते हैं। तो पता चला क्रॉस पे बेहोश हो गए थे, यकीनन मरे नहीं थे, उठाया अल्लाह ताला ने खबर से बाहर निकाला, और वो 40 दिन अपने हवारियों के साथ रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, शादी हुई, बच्चे हुए। आप खाली एक आयत पढ़ लिए, उठाया अपनी तरफ, पूरा छोड़ दिए। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, वफात के माने बेहोशी के भी होते हैं, नींद के वक्त भी, मौत के वक्त भी। आप नहीं समझ पाए ना, समझो जाओ। बदतरीन है वो कौम जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करती, अल्लाह फरमाता है कुरान में, दिमाग को अपने इस्तेमाल करो, तहकीक करो, कहाँ है मसीह दज्जाल, कहाँ है दावतुल मिलल अर्ज़, कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि लॉकडाउन का सीन हो चुका है। और याद रखो वर्ल्ड में जितने दावेदार हैं ना महदी अलैहिस्सलाम के, ईसा के, मैंने सबको देख लिया है, 1400 से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स, उसमें से 1% में भी कोई फिट नहीं, यानी 14 साइंस में भी फिट नहीं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, पेरेंट्स के नाम, भाई बहन कितने होंगे, बच्चे कितने होंगे, बीवियाँ कितने होंगी, दिखने में कैसे होंगे, जिस्म पे कितने निशान होंगे, कौन से इलाके में आएंगे, गजवा हिंद कैसे करेंगे, दिखने में कैसे रहेंगे, नाक कैसी रहेगी, मस्सा कैसे रहेगा, दांतों में शान कैसे रहेगी, माथे पे निशान कैसे रहेगा, सारे निशान, हाथों में सलीब के निशान यानी क्रॉस के निशान जो नेलिंग करे थे वो सारे जिस्म के साथ, निशानों के साथ, सीन्स के साथ, कहाँ है ज़रा बोलो जाओ पूछो। ये लॉकडाउन का जिक्र अहदीस में किधर आया? अहले किताब बनते हो ना कुरान हदीस के दावेदारों, जाओ पूछो। अल्लाहु अकबर।